जय हिंद। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस आपका एक्सपायर्ड हो चुका है, नियर इन फ्यू डेज एक्सपायर होने वाला है, तो आज की इस वीडियो आपके लिए है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेजबल होने वाली है। इसको लास्ट अगर आप देख लेते हैं तो नए नियम 2021 में जो लागू हो चुके हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के, उसको जान लेंगे तो आप क्या ही फ़ायदा होगा। और आप वहाँ पर गलत तरीके से जो यूज़ करना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को और फीस वगैरह के लिए जो टेंशनाइज हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्वायरीज आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी इस वीडियो को अगर आप देखते हैं। तो ये जो जानकारी होने वाली है इसको आप लोग देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी कभी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजबल वीडियोज़ जो ट्रांसपोर्ट जगत से आएँ वो अब तक मिस ना हो। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए हाल के दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया नियम लाया हुआ है, तो इस नियम के तहत अब आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। देखिए, ये नियम क्या है, ये नियम बहुत ही अच्छा है। देखिए, पहले के वहाँ पर टाइम में आपको बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए आपको जो एड्रेस प्रूफ और बर्थ प्रूफ ये अलग अलग देना पड़ता था। अब ये ऐसा नहीं है, आप एक डॉक्यूमेंट देंगे तो आपके ये काम हो जाएंगे। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा वो आपको जानना चाहिए, वो है आपका वन एंड ओनली आधार कार्ड। जी हाँ, आधार कार्ड ऑफिशियली वेरीफाइड हो चुका है अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और UIDAI दोनों ने यहाँ पर वहाँ मिलकर एक नया वहाँ पर ये समझौता कर लिया है कि अब अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जाते हैं तो सिर्फ आधार कार्ड का यूज़ करेंगे तो आपका जो लाइसेंस का आप बोल सकते हैं एड्रेस प्रूफ वो भी हो जाएगा और बर्थ प्रूफ वो भी, दोनों को मान्य कर लिया जाएगा उसी आधार से। तो आधार में जैसे कि आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ भी मैंशनड होती है और आपका वहाँ पर एड्रेस भी होता है, तो ये दोनों भी चीज़ें आपको एक ही एड्रेस प्रूफ बर्थ प्रूफ के लिए एक ही डॉक्यूमेंट ऑफिशियल वेरीफाइड देना होगा जो कि आपका आधार कार्ड है अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जाते हैं तो। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पुराना वाला ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा, यानी कि आप दो डॉक्यूमेंट केवल देंगे। पहले के टाइम में ये काफ़ी चीज़ें बड़ी हो जाती थी, 3 से 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाते थे। सिर्फ अभी आपको आधार कार्ड देना है, अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस देना है और नियर अबाउट 450 रुपीज़ का फीस पेमेंट करनी है। कहीं कहीं पे फीस 400 रुपये है, कहीं कहीं पे 450 रुपये है, ये डिपेंड करता है आपके स्टेट और RTO ऑफिस पे। तो 200 रुपये आपकी जो फीस हो जाएगी वहाँ पर रिन्यूअल की, 50 रुपये सर्विस फीस ली जाएगी और 200 रुपये आपके जो स्मार्ट कार्ड में इशू होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस उसकी फ़ीस, टोटल 450 रुपये या फिर 400 रुपये किसी किसी स्टेट में सर्विस चार्जेस कम हैं तो वहाँ पर आपको 50 रुपीज़ पेमेंट नहीं करना होता है। तो नियर अबाउट आप मान के चलिए 400-450 इसकी के अंदर आपको रिन्यूअल फ़ीस सबमिट करनी होगी। और उसके अलावा सिर्फ आधार कार्ड और पुराना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाएंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हो जाएगा। ये काम आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आप RTO में जाकर भी विजिट करके वहाँ पर अपने कामकाज करवा सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी थी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के संबंध में, मैंने सोचा आपको क्यों ना अवगत कराया जाए क्योंकि ये नया नियम आया हुआ है 2021 में। 2020-19 में ऐसी सुविधा नहीं थी क्योंकि तब UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो आधार कार्ड से रिलेटेड जो संस्था है बनाई गई है वो, और वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का यानी कि जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, उसके बीच में टाइप ही नहीं हुआ था। तो टाइप 2021 में हो चुका है और आधार कार्ड अब आप पूरी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस के सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं। तो कैसे लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई पर्सनल बातचीत सुझाव के लिए इंस्टाग्राम ओपन है, आइए, स्वागत है आपका। @TechnicalAlokji मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन लिंक प्रोवाइडेड, वहाँ पर सर्कुलर PDFs मोर्थ के सभी फॉरवर्ड करता रहता हूँ, जरूर ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टच में रहिए, फॉलो करके कुछ भी पूछ सकते हैं। फेसबुक ट्विटर ये भी मैं यूज़ करता हूँ, आप चाहें तो वहाँ पर भी आइए। ट्विटर पर मैं आपके जो सवाल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है वो मैं केंद्र सरकार तक पहुँचाता रहता हूँ। @TechnicalAlokji मेरा ट्विटर हैंडल भी है, अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पर लिख कर ट्वीट कर दीजिए और टैग करना मत भूलिएगा @MorthIndia अपनी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और @TechnicalAlokji को। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।